नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। ममता बनर्जी शासित पश्चिम बंगाल देश भर में सुर्खियों में है। इसकी वजह अच्छी नहीं है। जिस तरह से बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हो रही है और लोगों के कत्ल के साथ लूटपाट और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने बंगाल को देश में बदनाम कर दिया है। इस हिंसा के पीछे राज्य का पुलिस महकमा भी जिम्मेदार है, क्योंकि जिसके कांधे पर कानून के पालन के जिम्मेदार हो वही अपराधियों का साथ देने लगे तो हालात ऐसे ही बनते हैं। बंगाल में किस तरह से घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, यह भी किसी से छिपा नहीं। यहां कट्टरपंथ ने भी अपने पांव पसार रखे हैं और जिहादी किस्म के लोग ही इस चुनावी हिंसा के पीछे बताए जा रहे हैं। यहां आए दिन दंगे होते रहते हैं और मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं के साथ अत्याचार, मंदिर तोड़ने जैसी घटनाएं आम हो चली है। पीड़ितों के थाने में सुनवाई भी नहीं होती, उल्टा शिकायत करने पर आरोपी पीड़ितों को परेशान करते हैं और उनकी जान पर बनाती है। इसलिए लोग जुल्म सहकर चुप हो जाते हैं और पुलिस में शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। इन सबके बीच आरोप ममता बनर्जी पर ही लगते हैं कि वो तुष्टिकरण को बढ़ावा देती है और राज्य में मुस्लिमों का तुष्टिकरण कर रही है और हिंदुओं को दबाने में जुटी हुई है। इसकी ताजा बानगी फिर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में पुलिस भर्ती हुई है। यह पश्चिम बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की लिस्ट है जिसमें चयनित सब इंस्पेक्टर के नाम है। लेकिन इस लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें चुने गए लगभग सारे अभ्यर्थी मुस्लिम हैं। अब सवाल यह कि क्या इन पदों के लिए सिर्फ मुस्लिम आवेदकों ने ही आवेदन किए थे? अगर नहीं तो फिर मुस्लिमों का ही चयन क्यों किया गया? क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं? और अगर मुस्लिम पुलिस वालों को ही चुना गया तो इसके पीछे मंशा क्या है? सोशल मीडिया पर यह सवाल दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने उठाया और इस लिस्ट को पोस्ट कर उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल पूछा है। परवेश वर्मा ने लिखा, कल पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी ने साबित किया कि वो कैसा राज स्थापित करना चाहती है। यह लिस्ट देखकर आपको समझ में आएगा कि बंगाल में जो नरसंहार चल रहा है अब वो कितना बढ़ेगा। थाने के बाहर भी ममता के गुंडे मारेंगे और अंदर भी। क्या कोई रिपोर्ट दर्ज करने की हिम्मत करेगा? यह आरोप गंभीर है और जायज भी। इस लिस्ट पर आप नजर डालेंगे तो लाइन से सारे नाम आपको मुस्लिम ही मिलेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि चयन में सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही तरजीह दी जाए? क्या इसके जरिए ममता बनर्जी राज्य के पुलिस में एक धर्म का दबदबा बढ़ाना चाह रही है या फिर उनकी मंशा कुछ और है? कुछ दिन पहले बंगाल के कोलकाता में भी एक ऐसा ही अस्पताल खुला था जिसमें संयोग से सारे डॉक्टर मुस्लिम ही थे। इस अस्पताल के डॉक्टर लिस्ट में एक भी डॉक्टर दूसरे धर्म का नहीं था। क्या एक सेक्युलर राष्ट्र या राज्य में यह जायज है कि किसी भी संस्थान में सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही तरजीह दी जाए? अगर उल्टा सोचकर देखिए, यही कुछ मुस्लिम लिस्ट की जगह हिंदू नाम होते तो इस पर कितना बवाल होता और जो लोग हैं जो हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, जो सेकुलर राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, क्या वो इस लिस्ट पर खामोश रहते? अब सवाल उठते हैं तो इसका जवाब ममता बनर्जी क्या देती है ये देखना होगा। वैसे इसका जवाब उन्हें देना चाहिए क्योंकि ये जायज नहीं है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में वहां क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। और ऐसी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल वीके न्यूज को। देखते रहिए, नमस्कार।